मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सीएम मोहन यादव के काफिले से एक ऑटो टकरा। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। आनन फानन में राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने घायलों को तुरंत सरंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया और अपने सामने उनका इलाज भी करवाया। साथ ही उन्होंने परिवार के मुखिया को अपना फोन नंबर देते हुए कहा कि अगर कोई जरूरत पड़े तो तुरंत हमें फोन करें। दरअसल बारिश के कारण सीएम मोहन यादव का शाजापुर दौरा हेलीकॉप्टर से न होकर सड़क मार्ग से निकाला गया। सीएम के सड़क मार्ग पर जाने की सूचना भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर जिले के प्रशासन को मिल गई। इसके बाद चारों जिलों की पुलिस एक्टिव मोड पर तैनात हो गई। सीएम का काफिला भोपाल से राजगढ़ जिले में दाखिल हुआ, जहां सारंगपुर से 4 किलोमीटर दूर काफिले में शामिल एक वाहन से ऑटो टकरा गया। इस हादसे में ऑटो में सवार एक परिवार पूरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सीएम का काफिला रुका और सीएम मोहन यादव ने घटना की जानकारी ली। उनके साथ मौजूद राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और कलेक्टर महीप किशोर तेजस्वी ने घायलों को तुरंत सारंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। वहीं एसपी और कलेक्टर ने संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के परिजनों का पूरा इलाज करवाया, उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाकर अपने गंतव्य पर निकल गए। इतना ही नहीं, एसपी और कलेक्टर ने ऑटो में बैठे परिवार के मुखिया को अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर हमें तुरंत फोन करें। खबरी चौखट की रिपोर्ट।